ये है पीरियड नंबर 26, पार्ट जो है लास्ट बटन पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये प्रॉब्लम नंबर 5 इज नाउ गोइंग डाउन है। तो देख लो, ये M2 के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर है, फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, पीरियड नंबर 26 है दोस्तों, देख लो। हाँ, क्या है ये, x इक्वल टू है हमें होना dy बाय dx, यू नो वेरी वेल, क्या ये देख लो, t1 क्या है, x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल क्या है ये, cot क्यूब थीटा है, करो डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये थीटा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करो ना, क्या है ये dx बाय डी थीटा, यानी व्हाट, कोसेक स्क्वायर के लिए क्या है 2 कोसेक थीटा, पावर आगे लो, एक से कम करो, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इनटू cot है, ये कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इनटू cot, हाँ, देन y के लिए आओ dy बाय d थीटा है, dy बाय d थीटा क्या है ये 3 क्या है ये cot स्क्वायर थीटा है, पावर आगे लेके एक से कम करो, cot स्क्वायर थीटा, cot का डेरिवेटिव क्या है ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है सेकंड नंबर, क्या है हमारे पास थ्योरम, वी नो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय d थीटा, dx बाय d थीटा, यहां पर dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू कुछ है, क्या ही है dy बाय d थीटा, ये व्हाट 3 cot स्क्वायर थीटा है, ये माइनस क्या है cosec स्क्वायर थीटा है, देख लो ये दोनों y का वैल्यू यहां पर y, देन ये माइनस 2 क्या है ये cosec स्क्वायर थीटा, ये cosec इनटू cosec cosec स्क्वायर, और क्या है वो cot थीटा है, ये cot कैंसिल, ये cosec स्क्वायर कैंसिल, क्या है ये, क्या है ये dy by dx माइनस माइनस ये मिलता प्लस है 3/2 cot थीटा है, क्या होना हमें थीटा का वैल्यू कितना है 5/6 है, थीटा के लिए 5/6 है, यहां पर क्या होना फिर dy by dx at theta equal to 5/6 यानी व्हाट 3/2 क्या ये cot 5/6 यानी व्हाट 3/2 cot 5/6 यानी tan 5/6 का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ tan 5/6, tan 5/6 यानी 1/3 उसका रेसिप्रोकल यानी √3, फिर क्या है ये dy by dx ना ये 3√3/2, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हां ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या है फाइंड dy बाय dx, देख लो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें dy बाय dx फाइंड करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, देख लो क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्या है यहां पर फाइंड dy बाय dx, ये 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लो, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू व्हाट 5/3 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो दोस्तों, ये 6 के लिए, और क्या है यहां पर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है, हमें होना dy by dx, यानी dy by dx यानी दोनों थीटा में है ना, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा,
यानी व्हाट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या है ये dx by d theta, यानी क्या है a, ये cos क्यूब, cos क्यूब का डेरिवेटिव ना 3a cos square theta, अब ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन theta, 3a cos square theta, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन theta है, देन y के लिए डी वाई बाय डी थीटा, ये ए थ्री साइन स्क्वेयर थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा है, बोलो क्या होना हमें, वी नो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा नेवर बी जीरो, क्या ये डी वाई बाई डी थीटा, यानी क्या है मेरे पास 3a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय इसके लिए माइनस 3a कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन कैंसल, ये कॉस कैंसल, ये 3a कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स के लिए माइनस साइन बाय कॉस यानी टेन है, क्या होना डी वाई बाई डी एक्स एट कहां पर होना थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, देखो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, यानी व्हाट माइनस क्या है ये टेन पाई बाई थ्री, यानी माइनस टेन पाई बाई थ्री यानी रूट थ्री, दोस्तों आप देख लो क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेम टाइप में है, यू कैन डू यूर सेल्फ, तुम खुद सॉल्व कर सकते क्वेश्चन, हाँ देख लो अब सेवन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन हाँ देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए देख लो, हाँ क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर सेवन, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन के लिए x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन और y इक्वल टू क्या है साइन पाई बाय टू टी प्लस है साइन है ना पाई बाय टू टी प्लस कॉस पाई बाय टू टी है एट टी इक्वल टू वन टी इक्वल टू वन, देख लो क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t, दोनों में t कॉमन है पैरामीटर है, तो दोनों को क्या है ये डिफरेंशिएट है, जो दोनों जो फंक्शन है हमारे लिए x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन, ये दोनों देख लो क्या है ये डी वन, हाँ क्या है ये डी वन, देख लो y इक्वल टू क्या है ये साइन पाई टी बाय टू प्लस कॉस पाई टी बाय टू है, करो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो क्या है डी एक्स बाय डी टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी और टी का वन है, देन वाई के लिए वाई के लिए डी वाई बाय डी टी साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई टी बाय टू इंटू ये टी का डेरिवेटिव ये इसका डेरिवेटिव पाई बाय टू इंटू टी का वन है ये कॉस करता है, देन ये कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन पाई बाय टू टी इंटू ये टी का डेरिवेटिव क्या है पाई बाय टू इंटू टी का वन है, यहां पर देख लो क्या है पाई बाय टू कॉमन लो cos pi t by 2 minus sin pi t by 2 है, ये सेकंड नंबर है हमारा थ्योरम, ये क्या है थ्योरम dy by dx equal to dy by dt और dx by dt
यहाँ पर dx by dt ये never be zero ऐसा नोट करना पड़ेगा। हाँ क्या है ये, फिर यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर क्या है dy by dx, क्या है ये pi by 2 cross pi by 2 t minus sin pi by 2 t है y, ये t है। हाँ then dx by dt का वैल्यू क्या है, dx by dt है और 2t plus 1। अब क्या है ये dy by dx at क्या है t equal to 1, at t equal to 1 क्या है दोस्तों, देख लो ये क्या है, t का वैल्यू 1 है यहाँ पर, हाँ t यानी 1, ये pi by 2 t यानी 1 cos pi by 2 0 minus sin pi by 2 1 by t यानी 1 2 plus 1 यानी 3, फिर कितना आता है ये minus pi by 3 to the कितना ये 6 minus pi by 6। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 x इक्वल टू t प्लस 2 साइन पाई t, पाई के लिए 3t माइनस cos पाई t एट t को क्या है ये 1/2 देखो क्या है। हाँ क्वेश्चन बहुत, ये पार्ट के लिए क्वेश्चन बहुत यानी बहुत इजी है दोस्तों, आप देख लो क्या है। हाँ हाँ देन हाँ क्वेश्चन देख लो क्या है, ये हाँ एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी, क्या है एक्स इक्वल टू टी प्लस टू साइन पाई टी थ्री टी माइनस क्रॉस ऑफ पाई, हाँ दोनों करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है, क्या ये डी एक्स बाय डी टी, टी के लिए 1 प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव क्रॉस पाई टी, साइन का डेरिवेटिव क्रॉस ऑफ पाई टी का पाई बाय 3 टी का 1 माइनस क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन पाई टी, अब ये पाई टी का क्या है पाई है, देन क्या होना हमें देख लो डी बाय पाई डी एक्स एट क्या होना टी इक्वल टू 1/2 और क्या है 1 प्लस 2 पाई इंटू क्रॉस ऑफ टी यानी वॉट ये पाई है ना, पाई इंटू टी क्या होना ये 1/2 यानी पाई बाय 2 बाय 3 प्लस पाई ये साइन पाई इंटू टी यानी वॉट 1/2 यानी पाई बाय 2 हाँ क्या है, फिर ये 1 प्लस क्रॉस पाई बाय 2 यानी 0 2 पाई इंटू 0 3 प्लस पाई साइन पाई बाय 2 यानी 1, फिर क्या है ये 1 बाय ये पाई और ये थी पाई प्लस थ्री, ये है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए है। हाँ देख लो देख क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t y इक्वल टू 2 sin t माइनस साइन टू टी एट टी इक्वल क्या होना पाई डी वाई बाई डी एक्स होना टी इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, क्या ये डी हमें डी वाई बाई डी एक्स होना एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 देख लो क्वेश्चन यानी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन एज इट इज होना, ये गिवन है हाँ गिवन यानी फर्स्ट वन एक्स इक्वल टू फर्स्ट वन वाई इक्वल टू सेकंड वन एक्स इक्वल टू दिस वन वाई इक्वल टू दिस वन, क्या ये एक्स इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t y इक्वल टू 2 sin t
डिफरेंशिएट ड्रॉ करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी, दोनों को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स बाय डीटी, टू इंटू कॉस के लिए क्या है ये माइनस साइन टी, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस क्या है साइन टू टी का टू है, देन y के लिए आपने अपना ये थर्ड वन y एंड वॉट डी वाई बाय डी टी है, टू इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, टू इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन के लिए कॉस टू टी का टू है, हाँ देन क्या है ये वही नो डी वाई बाय डी एक्स, देख लो डी वाई बाय डी एक्स यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम, डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी, यहां पर डी एक्स बाय डी टी नेवर बी जीरो, क्या ये डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी यानी वॉट टू क्रॉस टी माइनस टू क्रॉस टू टी बाय माइनस टू साइन टी प्लस टू साइन टू टी है, दो दो कॉमन लेके कैंसिल करो, दो दो कॉमन लेके कैंसिल करो, डी वाई बाय डी एक्स एट टी इक्वल टू फाइव बाय फोर इक्वल टू, ये दो दो कॉमन लेके कैंसिल हो जाए, कॉस टी एंड कॉस फाइव बाय फोर, कॉस फाइव बाय फोर वन बाय टू माइनस ये फाइव बाय फोर एंड टू इंटू फाइव बाय फोर फाइव बाय टू कॉस फाइव बाय फोर जीरो बाय माइनस वन साइन ये टी टी एंड फाइव बाय फोर माइनस वन बाय टू ये साइन फाइव बाय फोर कितना आता है वन आता है, देखो वन है हाँ, फिर एलसीएम ले लो यानी वन बाय रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू बाय रूट टू है ये कैंसिल हो रहा यानी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या ये वन बाय रूट टू माइनस वन, इसको रैशनलाइज करो यू नो दोस्तों रैशनलाइज माइनस है ना रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो है फिर क्या ये रूट टू प्लस वन ए माइनस बी ए प्लस बी रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन यानी वन, ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर टेन के लिए आवा क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा y इक्वल टू a tan 2 थीटा x थीटा इक्वल टू y बाय थ्री, एक क्वेश्चन हमने हमने इसमें सॉल्व किया है ना, वन क्वेश्चन कोसेक और कॉट का, वहां पर एक कोसेक स्क्वायर और एक कॉट क्यूब था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है वी हैव डन, देख लो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन के लिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए देख लो क्या है यार, क्वेश्चन नंबर टेन हाँ एक्स इक्वल टू ए क्या है ये सेट स्क्वेयर थीटा, वाई इक्वल टू ए क्या है टेन क्यूब थीटा, क्वेश्चन नंबर टेन के लिए यार क्वेश्चन नंबर टेन है ये हमारा डी वन करो डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है ये एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी थीटा ए क्या है ये डेरिवेटिव का क्या है यार ये पावर कितना है दो है दो पावर आगे लो एक से कम करो सेक थीटा देन सेक का डेरिवेटिव क्या है ये सेक इनटू टैन है, देन वाई के लिए क्या है ये टू ए सेक स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट टैन ये फर्स्ट वाला, देन वाई के लिए डी वाई बाय डी थीटा
ए टेन क्यूब के लिए थ्री, क्या ये टेन स्क्वेयर थीटा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर थीटा है, डेरिवेटिव देख लो पावर कितना है तीन है, आगे दो एक से कम करो दो, बाद में टेन का डेरिवेटिव टेन सेक स्क्वेयर। अब क्या है वाला थ्योरम, ये डीवाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, यहां पर डी एक्स बाय डी थीटा नेवर बी जीरो, क्या है ये थ्री ए, क्या है टेन स्क्वेयर थीटा इनटू व्हाट, ये सेक स्क्वेयर थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा टू ए, क्या है ये सेक स्क्वेयर थीटा इनटू व्हाट टेन, सेम क्वेश्चन है यार एज इट इज, ए ये टेन कैंसर, फिर क्या है ये डी वाई बाय डी एक्स थ्री बाय टू इंटू क्या है ये टेन थीटा है, देन यहां पर डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल कितना है पाई बाय थ्री है, यानी थ्री बाय टू कितना टेन पाई बाय थ्री, थीटा है पाई बाय थ्री, क्या है ये टेन पाई बाय थ्री, थ्री इंटू टेन पाई बाय थ्री यानी रूट थ्री बाय, ये है डी वाई बाय डी एक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है यहां पर ये क्वेश्चन नंबर है टेन, टेन के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर टेन के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए आओ, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन, हाँ क्वेश्चन नंबर टेन के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है देख लो, हाँ इलेवन के लिए, इलेवन यानी व्हाट, एक्स इक्वल टू थ्री कॉस टी माइनस टू कॉस क्यूब ऑफ टी है, वाई के लिए थ्री साइन टी माइनस टू साइन क्यूब ऑफ टी एट टी इक्वल टू पाई बाय सिक्स, देख लो ये क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए आओ दोस्तों, ये जो है डी वन एक्स इक्वल टू एक नंबर वाई इक्वल टू दो नंबर, एक्स इक्वल टू दिस वन ये फर्स्ट नंबर है, वाई इक्वल टू दिस वन ये सेकंड नंबर है, दोनों को डिफरेंशिएट करो, क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी है, y is also the function of t, दोनों को differentiate करो with respect to t, है dx by dt, क्या है ये थ्री cos का derivative minus sin t minus टू इंटू क्या है ये पावर तीन, आगे लो एक से कम करो है, अगेन cos cos का derivative, ये पावर छोड़ दो cos का derivative क्या है ये माइनस साइन, फिर कितना आता है थ्री साइन टी कॉमन लो कितना बचता है दोस्तों, यहां पर माइनस माइनस क्या हुआ है माइनस माइनस प्लस टू इंटू कॉस स्क्वायर टी ये माइनस वन, ये है तुम्हारे लिए थर्ड नंबर, वाई के लिए डी वाई बाय डी थीटा डी वाई बाय डी टी, वाई का डेरिवेटिव देख लो दोस्तों थ्री साइन का डेरिवेटिव क्रॉस माइनस टू इंटू थ्री साइन स्क्वेयर टी, साइन पावर तीन आगे एक से कम करा साइन, अब यस पावर छोड़ दो साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या है क्रॉस टी यानी व्हाट थ्री कॉस टी कॉमन लो, क्या बचता है यहां पर कुछ नहीं यानी वन टू इंटू साइन स्क्वेयर टी, ये है चार, चार हमारे पास थ्योरम है हमारा, क्या है थ्योरम, वी नो डी वाई बाय डी एक्स यानी व्हाट डी वाई बाय डी टी है बाय डी एक्स बाय डी टी, यहां पर डी एक्स बाय डी टी नेवर बी जीरो, देख लो क्या है ये, हाँ फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई यानी ये है थ्री, देखो दोस्तों ये वन माइनस टू साइन स्क्वेयर
और 2 cos के माइनस 1 देख लो क्या है 1 माइनस क्या है यहां पर आल्सो क्या है ये cos 2 थीटा cos 2 थीटा के लिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 देख लो क्या है ये है ना ये कैसा होता है ये 2 cos के माइनस 3 माइनस 1 ये वाला और ये दोनों कैंसिल यानी dy by ds equal to 3 cos t by 3 क्या है ये sin t यानी what dy by ds क्या है at t equal कितना ये pi by 6 यानी what cos by sin यानी cot cot pi by 6 यानी root 3 है ना cot pi by 6 जो है ये है root 3 ये है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों 11 के बाद तुम्हारे लिए 2 टू 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ऑन दिस पार्ट इसके ऊपर दोस्तों ये फॉर पीरियड नंबर 26 तुम्हारे लिए होमवर्क ले लो पीरियड नंबर 26 होमवर्क फाइंड डीवाई बाय डीएक्स फाइंड डीवाई बाय डीएक्स पीरियड नंबर 25 के लिए हमारे पास 25 के लिए हमारे पास होमवर्क थे नंबर होमवर्क नंबर आई हैव वन यू 25 के लिए और 26 के लिए मैंने तुम्हें होमवर्क दिए है दोस्तों अभी 26 के लिए हां पहले तीन प्रॉब्लम पीरियड नंबर 25 के लिए आई हैव गिवन यू 3 होमवर्क अब यहां पर भी तीन ले लो फाइंड डिवाइड बाय dx है देख लो क्या है ये फाइंड डी वाई बाय डी एस ये फोर्थ वन एक्स इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी एंड वाई इक्वल टू वन बाय टी स्क्वेयर एंड टी इक्वल टू वन बाय टू देन फिफ्थ के लिए एक्स इक्वल टू टी माइनस रूट टी एंड वाई इक्वल टू टी प्लस रूट टी है देन 4, 5 बाद में 6 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सिक्स यानी x इक्वल टू cos ऑफ t और है और y को चाहिए log ऑफ cos t है cos of log t y को log of cos है x equal to cos of log t y को log of cos ये तीन क्वेश्चन फॉर होमवर्क दीज थ्री क्वेश्चन फॉर होमवर्क देन जो भी प्रॉब्लम्स है आई थिंक 27 और 28 दीज टू पीरियड्स विल बी बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड